नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, चैप्टर नंबर 5 पेज नंबर 212 पे दिया गया सवाल नंबर 14 आज आपने कर रहे हैं। तो देखिए सवाल के अंदर आपको क्या दिया है। तो यहाँ दो पुराने साझेदार है रित्वी और प्रिंसी, और एक नया साझेदार धंधे के अंदर प्रवेश ले रहा है, वो कौन है? मनन। तो यहाँ पे भी आपको चालू खाते की बाकी दी है, तो यहाँ साझेदार का चालू खाता तैयार करेंगे, पूंजी की बाकी डायरेक्ट अपने आर्थिक चिट्ठे के अंदर लिखेंगे। तो चलिए चलते हैं समायोजन के अंदर। तो सबसे पहला देखते हैं कि मनन अपना निजी फर्नीचर रुपये 75,000 का पूंजी के रूप में क्या करेगा, पेड़ी में लाएगा। अब यहाँ देखिए नया जो साझेदार है वो संपत्ति ला रहा है, किसमें? पूंजी के रूप में क्या ला रहा है? संपत्ति ला रहा है। तो यहाँ क्या ला रहा है? वो निजी फर्नीचर ला रहा है। तो फर्नीचर आपके लिए क्या है? संपत्ति। तो सबसे पहले तो अपने संपत्ति लेना की तरफ क्या लिख देंगे? फर्नीचर। यहाँ यदि फर्नीचर दिया होता तो फर्नीचर में क्या हो जाती? वृद्धि हो जाती। तो यहाँ फर्नीचर करके कितने का फर्नीचर ला रहा है? वह 75,000 का। तो यहाँ लिख देंगे अपने 75,000, राइट। उसके बाद देखिए दूसरे समायोजन में आपको क्या दिया है, लेनदारों में से 60,000 मनन को चुकाना है जो उसके पूंजी खाते ले जाना है। तो मनन क्या कर रहा है? फर्नीचर के रूप में 75,000 ला रहा है और 60,000 का लेनदार चुकाना क्या कर रहा है? स्वीकार कर रहा है। तो देखिए सवाल के अंदर आपको लेनदार कितना दिया है, तो यहाँ देखते हैं अपने दायित्व की तरफ क्या लेनदार। तो लेंडर आपको कितना दिया हुआ है? तो लेंडर आपको दिया हुआ है 1,20,000, राइट। अब 1,20,000 में से मनन कितना चुका रहा है? तो मनन के पूंजी खाते कितना चुका रहा है मनन? 60,000 का लेंडर चुका रहा है। तो यहाँ लेंडर अभी आपके पास में कितने शेष रहे? 60,000, क्लियर, राइट। अब यहाँ ध्यान रखिए कि साझेदार जो है वो क्या कर रहा है, 75,000 का फर्नीचर, कितना फर्नीचर ला रहा है? 75,000 का, प्लस 60,000 का वो क्या कर रहा है? लेनदार चुकाना क्या कर रहा है? स्वीकार कर रहा है। तो टोटल मनन ने धंधे के अंदर कितना लाया बेटा? 75,000 प्लस 60,000 यानी 1,35,000। ये क्या हुई? मनन की पूंजी हुई। पूंजी है तो पूंजी में लिखना पड़ेगा, या तो यहाँ पूंजी खाता नहीं है तो अपने कहाँ पे लिखेंगे? आर्थिक चिट्ठे में। तो यहाँ टाइटल दे देते हैं पूंजी, तीनों साझेदार की पूंजी लिख देते हैं। तो क्या नाम दिया हुआ है आपको? तो रित्वी, यहाँ लिखते हैं प्रिंसी और मनन। तो रित्वी और प्रिंसी की तो पूंजी आपको दी गई है सवाल के अंदर, कितनी दी हुई है? 1,20,000, 1,20,000 रित्वी की, और 90,000 किसकी दी हुई है? प्रिंसी की, राइट। और मनन की टोटल पूंजी कितनी हुई? 75,000 प्लस 60,000 यानी टोटल पूंजी उसकी कितनी है? 1,35,000। तो यहाँ लिखेंगे टोटल मनन की पूंजी कितनी आई? 1,35,000, क्लियर हो गया आपको। तो नया साझेदार संपत्ति के रूप में भी कुछ भी चीज़ धंधे के अंदर लाता है तो वो भी क्या कहलाती है? पूंजी कहलाती है। तो यहाँ 75,000 फर्नीचर प्लस 60,000 दायित्व चुकाया, तो टोटल उन्होंने कितना धंधे में लाया? 1,35,000। तो टोटल किया इसका, तो चलिए 1,20,000, 90,000, 1,35,000 को टोटल करो, कितना हुआ? 3,45,000, ओके, राइट। तो ये हो गई आपकी पूंजी की एंट्री। उसके बाद लिखा है कि मनन को भविष्य के लाभ में से 1/5 भाग मिलेगा। मनन ख्याति के रूप में 45,000 क्या कर रहा है? रोकड़ ला रहा है। और आपको ख्याति का मूल्यांकन कितना दिया है? 3,00,000 दिया हुआ है। तो चलिए ख्याति का कैलकुलेशन कर लेते हैं अपने। तो ख्याति का मूल्यांकन बराबर, यानी कुल ख्याति आपको कितनी दी हुई है? 3,00,000। तो ख्याति का मूल्यांकन कितना है? 3,00,000। तो चलिए इसमें अपने सबसे पहले नए साझेदार का हिस्सा यानी मनन की ख्याति निकाल देते हैं। तो मनन की ख्याति बराबर 3,00,000 गुणे मनन का हिस्सा आपको दिया है कितना? 1/5। तो 5×6=30, यानी ये हो गया कितना? टोटल मनन की ख्याति कितनी हुई? 60,000, राइट है। अब इस 60,000 में से मनन क्या कर रहा है? कितनी ख्याति रोकड़ में ला रहा है? 45,000। तो रोकड़ ख्याति कितनी दी है? 45,000। तो 60 में से 45,000 रोकड़ में लाया, तो इसका मतलब 15,000 रोकड़ में नहीं ला रहा है। कितना? 15,000, ओके। तो ख्याति रोकड़ में लाए तब और ख्याति रोकड़ में न लाए तब, दोनों की एंट्री आपको करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले अपने कहते हैं ख्याति रोकड़ में लाए, रोकड़ में लाए,
अब यहाँ देख लीजिए, आपको त्याग का अनुपात के लिए नया अनुपात, पुराना अनुपात सब कुछ दिया है कि नहीं दिया है। तो यहाँ सवाल के अंदर आप देखेंगे तो आपको पुराना अनुपात जो है वो दिया गया है कितना, 5:3। कितना है पुराना अनुपात? 5:3। नया अनुपात आपको दिया गया नहीं है, और नए और त्याग का अनुपात निकालने के लिए कुछ भी चीजें भी आपको दी हुई नहीं है समायोजन के अंदर, राइट है? तो जब आपके पास में कुछ बना हो, सिर्फ ओनली फिर क्या हो, पुराना अनुपात हो या नए सहायदार का सिर्फ हिस्सा हो, तो जो पुराना अनुपात है वही आपका क्या बनेगा, त्याग का अनुपात। तो त्याग का अनुपात कितना आया, 5:3। ओके, जब आपके पास सिर्फ पुराना अनुपात और नए साझेदार का हिस्सा ही हो तो उस समय पुराना अनुपात ही आपका त्याग का अनुपात गिनाएगा। क्लियर? तो यहाँ चलिए रोहतनामचा करते हैं अपना। पहला रोहतनामचा क्या होगा, रोकड़ खाते उधार ख्याति प्रीमियम खाते का कितनी ख्याति रोकड़ में ला रही है वो, सॉरी ला रहा है 45,000, तो यहाँ लिख दिया 45,000। दूसरी एंट्री करेंगे इसकी, ख्याति प्रीमियम खाते उधार, और पुराने साझेदार कौन है, रित्वी और प्रिंसी खाते का, तो यहाँ लिखेंगे रित्वी खाते का और लिखेंगे प्रिंसी खाते का। 45,000 को त्याग का अनुपात कितना है, 5:3 में बांट दो। चलिए 45,000 को 5:3 में बांटें, कितना आया पहले का, 28,125, और दूसरे का कितना आया, 16,875। क्लियर? तो ये तो हुआ जब ख्याति रोकड़ में लाए तब। 15,000 ख्याति रोकड़ में नहीं ला रहे, तो चलिए उसकी भी एंट्री करते हैं, ख्याति रोकड़ में न लाए तब। न लाए तब, तो यहां जब ख्याति रोकड़ में न लाए तब उस समय रोजनामचा क्या होता है, नए साझेदार खाते उधार पुराने साझेदार खाते का। तो यहां नया साझेदार कौन है, मनन, तो मनन का डिफरेंस चालू खाते ले जाना है, तो यहां लिखेंगे मनन के चालू खाते उधार, मनन के चालू खाते उधार रित्वी खाते का, पुराने साझेदार कौन है, रित्वी और प्रिंसी, रित्वी खाते का और प्रिंसी खाते का। कितनी रकम रोकड़ में नहीं ला रहा है, टोटल 60,000 में से 45,000 रोकड़ में लाया, तो कितना रोकड़ में नहीं लाया, 15,000। इस 15,000 को भी क्या करेंगे आप, 5:3 में क्या करो, बांट दो। तो चलिए 15,000 को 5:3 में बांटो, कितना आया पहले का, 9,375, और दूसरे का कितना आया, 5,625। क्लियर? तो ख्याति रोकड़ में लाए तब और ख्याति की रकम रोकड़ में न लाए तब। क्लियर? तो चलिए इसकी एंट्री कर लेते हैं। तो पहले क्या करेंगे, रोकड़ खाते के उधार पक्ष में लिखेंगे, तो यहाँ बैंक खाता आपने बनाया है तो उसके उधार पक्ष में लिख दो, ख्याति प्रीमियम खाते का टोटल ख्याति कितनी ला रहे हैं, 45,000। ओके, और चालू खाते के जमा पक्ष में लिखेंगे यहाँ पर, ख्याति प्रीमियम खाते 45,000 को बांटे थे कितना आया था, 28,125 और 16,875, तो यहाँ लिख देंगे 28,125 और 16,875। अब इसकी कटौती करेंगे तो मनन के चालू खाते के उधार पक्ष में लिखेंगे, पर नाम क्या लिखेंगे, रित्वी और प्रिंसी, तो यहाँ चालू खाता बनाया है तो यहाँ लिखेंगे यहाँ लिखेंगे प्रिंसी खाते। रकम किस में लिखेंगे, मनन में, कितना है, 9,375, और ये कितना है, 5,625। ओके, और दूसरी एंट्री यहाँ होगी, मनन के चालू खाते करके
यहाँ लिखेंगे ऋत्वी में 9375 और प्रिंसी में 5625। ओके, तो ये हुई आपकी ख्याति की एंट्री। ख्याति रोकड़ में लाए तब और ख्याति रोकड़ में न लाए तब, नए लाए तब, नया साझेदार खाते उधार, पुराने साझेदार खाते का। क्लियर? तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट समायोजन में आपको क्या कहा है कि उधार खरीदी ₹15,000 हैं, जो खरीद खाते लिखना बाकी है इस माल का समावेश अंतिम स्टॉक में हो गया है। यानी ये क्या है, लिखनी बाकी खरीदी। तो जब भी देखो उधार खरीदी है तो उधार खरीदी करने से क्या होता है, आपका लेनदार बढ़ता है, तो लेनदार में प्लस कर देंगे। तो यहाँ प्लस करेंगे उधार खरीदी, कितनी खरीदी की है उन्होंने, 15,000 की। उधार खरीदी कितना किया, 15,000, लेनदार में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। तो टोटल आपके लेनदार कितने के हो गए, 75,000 के। अब लेनदार में वृद्धि हुई यानी दायित्व में वृद्धि हुई, तो पूर्ण मूल्यांकन खाते के कौन से पक्ष में आएगा, उधार पक्ष में। तो यहाँ खरीद खाते या लेनदार खाते आप लिख सकते हो, खरीद करके करके कितनी वृद्धि हुई है दायित्व में आपकी, 15,000 की। दायित्व में वृद्धि होती है तो आपको नुकसान होता है, राइट। उसके बाद आपको दिया है 45,000 के स्टॉक की बाजार कीमत 36,000 है। अब 45 का कितना हो गया, 36, यानी स्टॉक में क्या हो गई आपकी, कमी हो गई कितने की, 9,000 की। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं स्टॉक संपत्ति लेना की तरफ। तो स्टॉक आपको कितना दिया है सवाल के अंदर, तो यहाँ देखेंगे तो आपको स्टॉक दिया हुआ है कितना, 60,000, राइट है। माइनस करेंगे क्या, कमी, कितनी कमी हो रही है आपके स्टॉक में, 9,000 की कमी हो रही है। तो टोटल स्टॉक बचा कितना, 51,000। स्टॉक में कमी यानी पूर्ण मूल्यांकन खाते के उधार पक्ष में लिखेंगे यहाँ पर स्टॉक खाते, कितनी कमी हो रही है आपकी, 9,000 की। ओके, समझ में आया, क्या हो गया आपका, 45 का 36 यानी 9,000 की क्या हुई, कमी हो गई, राइट। चलिए फिर आगे चलते हैं। कारीगर मुआवजा अनामत पेटे जिम्मेदारी 28,000 है, तो कारीगर अकस्मात दावा ये, तो यहाँ लिख देते हैं अपने कारीगर अकस्मात दावा। अकस्मात दावा कितना स्वीकृत किया गया है, 28,000, जो समायोजन में दिया वो हमेशा पूंजी दायित्व के पक्ष में लिखने का। अब अंदर देखिए आपको कारीगर मुआवजा अनामत कितना दिया है आपको, 60,000। 60,000 का क्या हो गया आपको, कितना आपने किया है, 28,000। तो 60,000 में से 28,000 माइनस कर दो तो बचा कितना, 32,000। 32,000 को क्या करेंगे अपने, बांटेंगे कहाँ पर, चालू खाते के जमा पक्ष में, कौन से अनुपात में, पुराने अनुपात में। कारीगर मुआवजा फंड अनुपात कितना दिया है पुराना, 5:3 में बांट दो किसको, 32,000 को। तो कितना आया पहले का, 20,000, और यहाँ कितना आया, 12,000। क्लियर, 60 में से 28,000 स्वीकृत किए तो बचे कितने, 32,000। 32,000 का अनामत पुराने अनुपात में पुराने 60,000 के बीच में बांट देंगे। फिर आपको दिया है विनियोग पर ब्याज मिलना कितना है, 24,000। तो मिलनी बाकी आए हैं ये, तो पूर्ण मूल्यांकन खाते के जमा पक्ष में लिखेंगे विनियोग का ब्याज, विनियोग का ब्याज कितनी रकम है आपकी, 24,000। और यहाँ संपत्ति लेना की तरफ ब्याज क्या हो जाएगा, प्लस, तो यहाँ लिखेंगे आप विनियोग। तो देखिए विनियोग कितना अंदर दिया है, तो विनियोग दिया है 1,05,000, प्लस करेंगे ब्याज, मिलना बाकी ब्याज कितना, 24,000। सो द टोटल इन्वेस्टमेंट इज 1,29,000। ओके, 1,29,000 हो गया, ये क्या आ गया आपका, विनियोग आ गया। तो चलिए समायोजन हो गए पूरे, सिंगल सिंगल एंट्री करते हैं। सबसे पहले दिया है पूंजी दायित्व की तरफ आपको क्या दिया, देखिए कारीगर लाभ भाग फंड, तो वो दायित्व है, तो दायित्व की तरफ लिखेंगे यहाँ पर कारीगर लाभ भाग फंड। ये दायित्व होने से बांटेंगे नहीं, खास ध्यान रखना, कारीगर अकस्मात मुआवजा फंड बटता है, लाभ भाग फंड बटता नहीं है। लाभ भाग फंड कितना है आपको दिया हुआ है, 30,000, तो यहाँ पे लिख दो आप कितना, 30,000। उसके बाद आपको दिया है लेनदार तो हो चुका है, कारीगर मुआवजा अनामत भी हो चुका है, चालू खाता, तो चालू खाते की बाकी दी है, तो यहाँ लिखेंगे शेष आगे लाए
कितना दिया है ऋत्विका? 1,50,000। तो यहाँ लिख दो 1,50,000, इसका दिया है 1,95,000। फिर उसके बाद है पूंजी, पूंजी तो अपने ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो चलिए अब चलते हैं संपत्ति लेना की तरफ। बैंक, बैंक यानी बैंक खाते की शुरुआत की बाकी दी है, तो यहाँ लिखेंगे शेष आगे लाए। ये ओपनिंग बैलेंस है बैंक का, कितना है शेष आगे लाए? बैंक कितनी दी हुई है आपको? 60,000। उसके बाद दिया है आपको देनदार, तो देनदार लिख लेते हैं अपने। यहाँ लिखेंगे देनदार संपत्ति लेना की तरफ, कितना दिया है देनदार? 90,000 का। उसके बाद आपको दिया स्टॉक हो चुका है मकान, तो मकान भी लिख लो आप, मकान में भी कमी वृद्धि नहीं हो रही है, तो मकान कितना है आपका? 4,50,000। तो यहाँ लिख दो 4,50,000। फिर आपको दिया है विनियोग, तो विनियोग आप लिख चुके हो राइट। तो चलिए अब सिंगल सिंगल एंट्री करते हैं अपने। सबसे पहले चलते हैं अपने पूर्ण मूल्यांकन खाते को, ये सिंगल एंट्री करने के बाद पूर्ण मूल्यांकन खाता बंद करेंगे। तो पूर्ण मूल्यांकन खाते के अंदर यहाँ का टोटल हुआ 15,924, और यहाँ पे भी हो गया 24। इसका मतलब न लाभ न हानि, तो इसको बांटने की ज़रूरत ही नहीं है। चलिए अब चलते हैं, अब चालू खाता बंद कर देते हैं। तो चालू खाते के जमा पक्ष का अपने टोटल करते हैं, पहले करते हैं ऋत्वी का। तो चलिए ऋत्वी में कितना है? 1,50,000, 20,000, 28,125 और 9,375 को टोटल करो। चलिए कितना आया? 2,07,500। यहाँ कुछ भी नहीं है तो वो का वही लिखेंगे शेष आगे ले गए कितना? 2,07,500। चलिए प्रिंसी का कीजिए, कर लिया आपने 2,29,500। तो यहाँ लिख देंगे 2,29,500। अब मनन का देखिए, यहाँ का टोटल यहाँ है 15,000 है, तो डिफरेंस कौन सी तरफ आएगा? इस तरफ। तो यहाँ लिख देते हैं शेष आगे ले गए, मनन के अंदर कितना आया? 15,000। ओके टोटल लिख दीजिए 2,07,500, 2,29,500 टोटल के नीचे डबल लाइन कर दीजिए। अब यहाँ पे चालू खाते की उधार बाकी का डिफरेंस जो है, तो वो यहाँ पे लिखेंगे चालू खाता करके, कौन सी तरफ? पूंजी दायित्व की तरफ। यहाँ लिख देते हैं चालू खाता, नाम लिख देते हैं अपने, क्या नाम है? ऋत्वी और प्रिंसी। कितना आया था ऋत्वी का? 2,07,500, और इसका कितना था? 2,29,500। चलिए टोटल कीजिए, इनका कितना हुआ है? 4,37,000। ओके और मनन का डिफरेंस कौन सी तरफ आ रहा है? जमा पक्ष में, तो वो जाएगा कहाँ पे? संपत्ति लेना की तरफ। तो यहाँ लिख देते हैं मनन के चालू खाते, कितना आया डिफरेंस? 15,000। ओके ध्यान रखें, चालू खाते के उधार पक्ष का जो अंतर आता है तो वो पूंजी दायित्व की तरफ जाता है, जमा पक्ष में अंतर आता है वो जाता है संपत्ति लेना की तरफ। अब चलिए अपने बैंक खाता बंद कर देते हैं। तो यहाँ बैंक खाते में सिर्फ टोटल करना है 1,05,000। यहाँ कुछ भी नहीं है तो बाकी वो की वही आएगी, शेष आगे ले गए कितना? 1,05,000 राइट। यहाँ पे लिख देते हैं 1,05,000। अब ये बाकी कहाँ पे जाएगी? संपत्ति लेना की तरफ, बैंक खाता करके, कितना है? 1,05,000। चलिए अब आर्थिक चिट्ठे का टोटल करें फटाक से, दोनों पक्षों का योग कैसा आना चाहिए? समान। ओके चलिए टोटल करें, पूंजी दायित्व की तरफ का कितना आया? 9,15,000। तो यहाँ पे भी कितना आएगा? 9,15,000। क्लियर। तो ये था आपका सवाल नंबर 14। ध्यान रखिए, ख्याति रोकड़ में लाए और ख्याति रोकड़ में न लाए तब किस प्रकार एंट्री की जाती है, वो खास ध्यान रखने का है। कैलकुलेशन के साथ में आराम से सवाल करेंगे तो सवाल के अंदर कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। होप सो कि आपको ये सवाल समझ में आ चुका होगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।